खरगोन शहर के सुखपुरी में मुस्लिम समाज की बिना अनुमति के सार्वजनिक ताजिया का स्थान प्रशासन द्वारा अपनी मनमानी से बदल दिया है। इसी को लेकर सुखपुरी मोहल्ले के समस्त मुस्लिम समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन दिया है। समाज के लोगों ने बताया कि विगत 50 वर्षों से सार्वजनिक ताजिया का वही स्थान है जहां पर मुस्लिम समाज का प्राइवेट भवन भी बना हुआ है और इसी में ताजिया बनाते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा मनमानी और हर धर्म से स्थान बदल दिया गया है, जिसमें मुस्लिम समाज के नागरिकों में आक्रोश है। समाज के सदर का कहना है कि अगर नगरवासियों ने निर्णय लिया है कि ताजिया उसी परंपरागत स्थान पर बनाएंगे या फिर हम त्यौहार नहीं मनाएंगे, हम इस फैसले का विरोध करते हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर लोग हैं इनकी मनमानी से और प्रशासन की मनमानी से, और हमारे जो सदर जिम्मेदार जो भी हैं, इन्होंने बिना हमसे पूछे ताजे और वहाँ मीटिंग में ये कह दिया कि हम स्थान चेंज कर देंगे, जबकि 50 वर्षों से ताजा हमारा इमामबाड़े के सामने ही बन रहा है और अलाव भी वहाँ खुदा हुआ है, पूरा कार्यक्रम वहाँ होता है। ना हमसे किसी हिंदू आदमी को तकलीफ है और ना हिंदू आदमी को हमसे तकलीफ है। वो अगर सिलो बजा कह देते हैं कि भाई सिलो बजाओ, हम सिलो बजा लेते हैं। वो अगर अजान के टाइम पे बंद कर देते हैं तो हम आरती के समय में बंद कर देते हैं। हमारा उनसे कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। झांकी वाले तो खुद ताजिए के पंडाल में आके सोते हैं, रात में जो ड्यूटी देते हैं दो दो आदमी, वो खुद पंडाल में ताजिए के सोते हैं। क्या मांग किया आपने? हमारी मांग ये है कि हम इमाम बाड़े में ताजिया बनाएंगे और अगर नहीं बनाने देंगे तो हम त्यौहार नहीं मनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।